हेलो दोस्तों, तो आज 1 जून है। आज की प्रिडिक्शन ये रहेगी रोलांड गारोस की। फर्स्ट मैच एचेवरी और डी मिनियोर का अच्छा होना चाहिए। डी मिनियोर अच्छा प्लेयर है, टॉप का प्लेयर है, और एचेवरी भी बहुत अच्छे फॉर्म में आ। तो ये मैच आप देख सकते हो। मैं वही मैच दे रहा हूँ जो आपको प्रॉफिटेबल दे सकते हैं, जो दोनों साइड ट्रेड दे सकते हैं, जो मतलब जो आपका लॉस नहीं कराएंगे। तो ये उनमें से एक मैच हो सकता है मेरे हिसाब से। दोनों ही अच्छा खेलते हैं। एचेवरी पे आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप अपने से भी ट्रेड करना चाहो तो। एंड सेकेंड मैच एटीपी का क्रिगोर डिमिट्रो और एमिल रसोवरी। तो ये मैच भी अच्छा बनना चाहिए। एमिल रसोवरी बहुत अच्छा और टैलेंटेड प्लेयर है, और डिमिट्रो तो बहुत आपको बताइए बहुत स्पेशल प्लेयर टैलेंट है एटीपी का। भले ही ये पिछले महीने का फाइनल हार गया हो निकोलस जेरी से, पर ये प्लेयर टॉप का है। और क्ले कोर्ट में पिछले टूर्नामेंट ही इसलिए हारा शायद क्योंकि वो क्ले कोर्ट थोड़ा फास्ट टाइप का था, पर यहाँ पर स्लो क्ले कोर्ट है। तो ये यहाँ पर गेम में आना चाहिए और ये गेम अच्छा बन सकता है। आप इसमें डिमिट्रो में ट्रेड कर सकते हो अगर रसोवरी यहाँ पर एक दो सेट स्टार्ट के जीत जाए तो। एंड थर्ड मैच निकोलस जेरी और टॉमी बॉल। यहाँ पर निकोलस जेरी बहुत ही हॉट फॉर्म में आ रहा है, पिछले टूर्नामेंट में पूरा जीत के आ रहा है, और इस टूर्नामेंट में भी इसने स्टार्ट में 3-0 करा है शायद फर्स्ट मैच में। और टॉमी पॉल थोड़ा स्ट्रगल करते हुआ है सर, इसका क्ले कोर्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो देख लीजिएगा आप इसमें, मुझे लगता है इसमें निकोलस जेरी जीतना चाहिए। बाकी अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर सकता हूँ। और WTA में जिंगयू वैंग और रेबिका पीटरसन। ये आप इन्हें कन्फ्यूज मत करिएगा, ये वैंग बहुत सारे वैंग हैं, कोई जैंग है, कोई बैंग है, कोई जैंग है, पता नहीं। लड़के बहुत सारे इनके चाइना से आ रही हैं, पर इनमें से ये शायद थर्ड फोर्थ नंबर की प्लेयर है। सबसे टॉप पे तो कुनमिंग जैंग है जो बाहर हो गए कल, यूलिया ने उसको बाहर कर दिया है। जो सबसे चाइनीज़ की टॉप की प्लेयर थी WTA में, वो तो पहली बार हो गई है। 19 रैंक की थी शायद इसकी, इसके तो कोई 60 के आसपास है। तो ये मैच भी अच्छा बनना चाहिए। इसने भी शायद कैलिना को फर्स्ट राउंड में ही बाहर कर दिया था, शायद इसने ही किया था, नहीं किसी और ने किया था शायद, पर इसने भी किसी को बाहर किया था। हाँ, पैरा को किया था शायद, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो गेम आप देख सकते हो, ये गेम अच्छा बनना चाहिए। रेबेका पीटरसन भी अच्छे फॉर्म में आ रही है। एंड नेक्स्ट मैच डोना बैचिक और बी पैरा। तो ये गेम भी अच्छा बनना चाहिए। डोना बैचिक तो बहुत अच्छे फॉर्म में है इस साल ये बहुत कंसिस्टेंट रही है हर टूर्नामेंट में, और अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रही है। और बी पैरा भी अमेरिका की है और अच्छा खेलते हुए आ रही है। पिछला मैच भी इसने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था कोंटा बीट को, उसको बाहर कर दिया था। 2-0 से जीती थी वह उस सेट में वाला मैच हमने कैच किया था। तो ये मैच अच्छा बनना चाहिए। आप इसमें दोनों वैकेज पर ट्रेड कर सकते हो अगर पैरा गेम आई तो। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम वहीं पर मैच के अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है, ऐसे मैच तो बता सकता हूँ एडवांस में कि कौन जीतेगा कौन हार सकता है, थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, पर किस रेट में करना है, कौन से क्या भाव में क्या ट्रेड करना है, कितने रेट में। एक कोई 80 पैसे की ट्रेडिंग होती है, कोई हाई रेट की होती है, कोई लो रेट की होती है। तो ऐसे ट्रेड करना वो टेलीग्राम में पॉसिबल हो पाता है। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट लक फॉर टुडे।